कैसे करें डॉट कॉम के अनबॉक्सिंग इन हिंदी सेगमेंट में आप सभी का स्वागत। आज जब वो हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं ये प्रोडक्ट जो कि हमें ऑर्डर किया था चाइना से, और इसके प्राइस जब मैं आपको बता दूं जो कि रहती है 900 से 1000 रुपये के लगभग, और परचेज़ करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जब वो आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये है एक लिंट रिमूवर MI की तरफ से आता है, ये मीजिया एक कंपनी है MI की ही, उसकी तरफ से आपको मिलता है ये। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, आप कोट वगैरह जो भी आपके कपड़े हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे वो बन जाते हैं निशान से, मैं देखिए आपके सामने इसको करके दिखाऊंगा कवर। यहाँ पर बहुत सारी ये बने हुए हैं पॉइंट्स से, मैं आपको दिखाऊंगा और इसको रिमूव करके भी देखेंगे हम लोग। ये सब रिमूव करने के लिए, इनको लिंट बोलते हैं इंग्लिश में, इनको रिमूव करने के लिए जो वो इस ये प्रोडक्ट हमने मंगवाया है, इसके चारों तरफ लिखी हुई सारी जानकारियाँ चाइनीज़ में जो कि हमें बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन ये यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो जिनके ज़रिए हम लोग यहाँ पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ये बैटरी है इसके अंदर इनबिल्ट, और यहाँ पर इसके अंदर एक कोई ब्लेड्स है जिनसे जो ये कटिंग करेगा, और यहाँ पर दिखाया गया है कि माइक्रो USB पोर्ट है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये आप परचेज़ करना चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप फटाफट करते हैं इसको ओपन, और यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले रखा हुआ मिल जाता है ये प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जब वो इस तरीके का है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अभी के लिए, और ये देखिए ये प्रोडक्ट है। मैं पहले इसको एक बार यूज़ कर चुका हूँ, दोबारा से मुझे किसी को मंगवा करके देने की ज़रूरत पड़ी तो मैं मंगवाया है। ये इस तरीके का होता है, ये यहाँ से जब वो कटिंग करेगा यहाँ से कुछ भी हाथ में लगने वगैरह के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पर स्टोर होता है सारा मटेरियल, और कैसे आगे यूज़ करना है मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। अभी के लिए इसको मैं रखता हूँ साइड में, और साथ में क्या क्या मिलता है हमारे को मैं बता देता हूँ। हमारे को मिलता है एक यूज़र मैनुअल, और यूज़र मैनुअल में जब वो आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा कुछ भी, लेकिन यहाँ पर एक हल्का इन्फोग्राफिक दिया गया है, यानी ग्राफिक के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है, तो जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी जब वो हम लोग इसके अंदर और देखते हैं क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है हमारे को एक ये ब्रश जो कि इसकी क्लीनिंग के लिए होगा, जिसको हम बताएंगे यूज़ करके कैसे कर सकते हैं आप, और साथ में लास्ट में मिलती है एक ये छोटी सी माइक्रो USB और USB वाली केबल है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, चार्जर इसके साथ में आपको नहीं मिलेगा। तो अभी जब वो हम लोग आगे की तरफ प्रोसेस करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे इस कपड़े पे जो वो कितने ये लिंट्स जो वो बने हुए, यहाँ पर देखिए आप एक बार ये प्लेस देखिए एक बार कितना ज़्यादा यहाँ पर लिंट्स लगे हुए हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम थोड़े से स्पेस को क्लीन करेंगे एक बार के लिए, ये देखिए यहाँ पर, और करना कैसे है इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये मशीन है, और मशीन को हम लोगों को यहाँ से ये बटन दबाना है तो ऑन हो जाएगी, सुनिएगा एक बार आप। और अब जो आप जिस भी स्पेस पर घुमाएंगे इसको, वहाँ पर ये लिंट रिमूव कर देगा। ये देखिए ये स्पेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है यहाँ वाला, और यहाँ पर देखिए कितने सारे लिंट्स हैं। हम लोग इनको भी रिमूव करने की करते हैं कोशिश, और आपके सामने देखिए वाओ मज़ा आ जाता है ऐसे रिमूव करने के बाद में, और क्लीन हो जाता है बिल्कुल गजब का, ये लिंट्स रिमूव हो जाते हैं। तो आपकी स्वेटर की एक किस्म की लाइफ दोबारा जो वो बन जाती है इसके ज़रिए। देखिए कितना स्पेस क्लियर चेंज है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लिंट्स लगे हुए हैं अभी भी, इनको रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से आप जो इसको रिमूव कर सकते हैं, बटन वापस दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। और अभी जो आपको बताते हैं इसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, क्या क्या प्रोसेस है इसका क्लीनिंग का, तो देखिए सबसे आसान है, यहाँ पर आपको ये स्पेस दिखने लग गया है, यहाँ पर कुछ डॉट्स से वो जो वो एंटर हो गए हैं, तो यहाँ से इसको आपको दबाना है, और दबा करके आप इसको जैसे ही यहाँ से ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो इस पैकेट है इसके अंदर बहुत सारा कचरा दिखेगा सामने, ये देखिए बहुत सारा है, और मैं आपको इसको निकाल करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक बार ये मेरी स्वेटर का जो लिंट्स थे वो सारे के सारे इसने रिमूव किए हैं, जितना थोड़ा सा हमने किए थे, और पूरे आप जब वो कर सकते हैं, और इसको वापस लगाना भी आसान है, सीधा आप इसको यहाँ पर सेटअप कर दीजिए, और उसके बाद इसको आपको करना सिर्फ एक ही काम है कि यहाँ से इसको यहाँ पर लगा देना है। अब ये ध्यान रखिएगा जब तक ये लगा हुआ ना होगा तब तक ये ऑन नहीं होगा, इसका प्रोसेस है ऐसा कि ये ऑन ना हो, तो आपको अगर इसको ऑन करना है तो आपको इसको लगाना ही होगा। ये देखिए अभी सही से लगा नहीं है तो ये ऑन नहीं हो रहा है, अभी लग गया है सही तो ये ऑन हो गया है।
आप यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से ये देखिए घुमा करके इसको रिमूव करके इसकी क्लीनिंग जो वो कर सकते हैं, अंदर की तरफ कचरा जो वो भर जाता है थोड़ा बहुत, और ये ब्लेड भी निकाल करके आप कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सबसे बड़ा ऑप्शन दिया गया है कि जब तक इसको सही से आप बंद नहीं करेंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा, यहाँ पर एक बटन सिस्टम दिया गया है ताकि ऐसा ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। अभी आपको इसको लगा देना है, ये ब्लेड से थोड़ा आप हाथ बचा करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं ये, आपको बहुत ज़्यादा हार्म जो वो कर सकते हैं यानी नुकसानदायक हो सकते हैं आपके लिए। अभी जो वो मैं इसको अच्छे से बंद कर देता हूँ, ये बंद करने में थोड़ा सा मेरे को भी दिक्कत करता है, कई बार नहीं होता अच्छे से, अभी बिल्कुल हो गया अच्छे से। तो ये था इसका ऑप्शन, यहाँ पर जो वो हल्का इसका ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर इसको माइक्रो यूएसबी चार्जर दिया गया है, और ये है काफ़ी एक यूनिक और गजब की फिनिश वाला, यहाँ पर काफ़ी अच्छी फिनिश है इसकी। तो ये था एक प्रोडक्ट जो कि लिंट रिमूवर है एमआई ज़ोमी की तरफ से आने वाला, शाओमी जिसको हम लोग बोल देते हैं, ये मीजिया नाम से ब्रांड है चाइना में, और उसके नाम से जो वो हमारे को ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वाली अनबॉक्सिंग अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी तो जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ हम लोग आप तक लेकर के आते रहें।